हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एसआर प्रोडक्शन चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। क्या होता है कि जब हम X3, X4, X5 या कोरल के किसी भी वर्जन में काम कर रहे होते हैं तो अचानक से एक एरर आ जाता है बीच में, विंडो क्लोज ना, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो सब कुछ बंद हो जाता है। जो हमारी कोरल ड्रॉ में पहले से फाइल खुली होती है वो तो बंद हो जाती हैं, और जो हम वर्क कर रहे होते हैं वो भी बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमने जो लास्ट सेव किया हो वो हमें बच जाए, और जहाँ फाइल सेव होती है अगर वहाँ हम जाके देखते हैं, उसकी डेस्टिनेशन पे जाकर देखते हैं, तो वहाँ कुछ इस तरीके का एक फोल्डर बना हो जाता है। देख रहे हैं आप, @ 2-3 बार लिखा होता है और CDRW.temp ऐसे कुछ करके फाइल बन जाती है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल साइज था वो दिखाएगा, मगर जब आप उसको ओपन विद कोरल ड्रॉ या फिर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये इनविजिबल पेज बिल्कुल ब्लैंक दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम अपने फाइल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अपना जो लास्ट सेव था वहाँ तक अपना बैकअप बचा सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा जब ये कोरल ड्रॉ टेम्प फाइल बना दे तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल स्टेप यूज़ करनी है। आपको राइट क्लिक करके इसका रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, ABC मैं नाम दे देता हूँ, ABC डॉट। अब आपको उसको इसका फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट लिखना है CDR, बस एंटर। अब आप इसको जैसे ही डबल क्लिक करके आप अपने कोरल ड्रॉ में खोलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लास्ट शेप था वहाँ का आपका बैकअप बच जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे और ग्राफिक की डिज़ाइनर्स की अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर अगेन। बाय।